इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन खासकर अमरीका और कनाडा में जो हैं, वहाँ पर खालिस्तानी एलिमेंट बहुत ही एक्टिव है और कुछ सालों से एक्टिव है यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया नहीं ये मेरे हिसाब से बहुत ही निंदनीय काम है और जिसने भी किया है उसको पकड़ा जाना चाहिए ये ऐसा है मार्च में भी हुआ था साल इसके मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया नहीं क्योंकि उन्होंने हमारे कौनसलेट जनरल को 24/7 प्रोटेक्शन और वाच देना था वो उन्होंने किया नहीं है सर uh, uh, United... ये अच्छा है लेकिन कंडम करना अच्छा है ठीक है लेकिन उसके वाला वो एक्ट करना था यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज़ ठीक से एक्ट किया नहीं है तो हम उनको कहना है कि देखिए आप ये किया नहीं है आिंदा में कर दीजिए ये मेरे हिसाब से बहुत ही निंदनीय काम है और जिसने भी किया है उसको पकड़ा जाना चाहिए विदेश मंत्रालय अमेरिका का सिर्फ निंदा करने से पल्ला नहीं झाड़ सकता अगर ऐसे काम किए गए हैं जिसका कि बहुत दूरगामी परिणाम हो सकता है उनको पकड़ा जाना चाहिए उनको फेडरल क्राइम्स के अगेंस्ट उनको उनके चार्ज शीट देनी चाहिए और उनको सही जगह पे जो जेल है पहुंचाना चाहिए वरना ऐसे ऐसे घटनाक्रम होते रहेंगे और ईंट का बदला पत्थर हो जाएगा फिर भारत में बैठे हुए अमेरिकी दूतावास के सदस्यों को वाणिज्य दूतावास के सदस्यों को भी कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है तो ऐसा मेरे ख़्याल से इसको आ, समूल नष्ट करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को किसी भी आ, कारणवश प्रश्न नहीं दिया जा सकता ऐसा है कि इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस खासकर अमेरिका और कनाडा में जो हैं वहाँ पर खालिस्तानी एलिमेंट बहुत ही एक्टिव है और कुछ सालों से एक्टिव है और उनको सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान से और दूसरे जो इनिमिकल फोर्सेस हैं हमारी तो उनको जो पैसा मिलता है तो उनको ये है कि जाके भारतीय दूतावास के सामने जाके एक तो डेमोस्ट्रेशन करो उनको अटैक भी करो इंडियन डिप्लोमेट्स को अटैक भी करो जहाँ तक हो सके तो अब ये हो रहा है कि खालिस्तानी एलिमेंट इंडिया में बहुत कम हो गए एक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि अब उनकी कंप्लेंट भी ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको वहाँ पर एक्टिव करने के लिए कई एलिमेंट्स हैं पाकिस्तानी ख़ासकर जो उनको देते रहते हैं कि आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ 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 कुछ, कुछ प्रॉब्लम करने की क्रिएट करी और इसलिए वो जाके आप उनके डेमोस्ट्रेशन करते हैं आके आपने सुना ही होगा कि लंदन में भी इंडिया हाई इंडियन हाई कमीशन के सामने उन्होंने झंडा भी उतारा तो अब ये हो रहा है कि यहाँ पे यूएस और कनाडा की बात कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं उनके पास और एक्टिविटीज़ भी उनकी ज़्यादा है अब उनके पास तो कोई ऐसा केस नहीं रहा है इसको ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसके खिलाफ वो बोलें तो अब क्या हुआ है जैसे आपने बताया होगा दो तीन हफ्ते पहले आपस में ही इनकी गुटबाजी चल रही है इनके भी फोर्सेस जो हैं अपोजिट फोर्सेस इनके आपस में वो भी एक दूसरे को मार रहे हैं आपने धोना होगा कि एक आ, इनके एक्टिविस्ट को मार भी दिया है तो ये चीज़ें क्या बताती हैं ये बताती यही हैं कि इनके अंदर जो मनमुटाव है और इस प्रकार की जो गतिविधि बढ़ रही है उसको से अटे, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सिर्फ एम्बेसी के पास जाते हैं क्योंकि वहीं पर ही रेलिंग पॉइंट है लोगों को आने का और उसके ऊपर अगर कुछ अटैक भी होगा तो उसका उसका जो असर पड़ेगा दोनों का पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी पड़ेगा उन्होंने देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट यूएस में गई इतनी सक्सेसफुल रही तो इसके लिए नेगेटिव लाने नेगेटिव पॉइंट लाने के लिए उनको अटेंशन नेगेटिव की तरफ लाने के लिए ये उन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी हैं